नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्ट्राकास्ट टीवी। मैं अनीशा जुनेजा आपके दिलाई हूँ आज का जो भी बड़ी खबर। जीएमसीएच 32 में रेजिडेंट डॉक्टर ने एडवाइजर का किया घेरा। कंडक्टर को महिला पुलिस कर्मी की टिकट काटना पड़ा भारी, पुलिस ने काट दिया चला। डाकघर विभाग भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह ई ट्रेडिंग करवाएगा। विधानसभा सत्र 2 से 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद। पंजाब ट्रामाडोल टेम्पाडोल की गोलियों की बिक्री पर पाबंदी। बंटवारे के बाद पाक से पहली बार भारत पहुंचा गुरु ग्रंथ साहिब का कीर्तन। हिमाचल प्रदेश की सभी शक्तिपीठों पर आज से शुरू हुए श्रावण अष्टमी मेले। शिमला धर्मशाला 4 लेन के 4 पैकेज की डीपीआर तैयार, निर्माण सितंबर से। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल चेकअप कराना हुआ अनिवार्य। रात में गर्भवती मां को वापस भेजा, घर जाते ही हुई डिलीवरी, नवजात की मौत। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लोकसभा में पारित किए जाने के विरोध में चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी। वीरवार को जीएमसीएच 32 में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने एडवाइजर का घेराव किया। फोर्स ने उन्हें जबरदस्ती कर हटाया। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में 24 घंटे के लिए हड़ताल की है। इससे पहले बुधवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सुबह 9 बजे तक व्यवस्था ठीक थी, लेकिन IMA मेंबर व GMSH के रेजिडेंट्स डॉक्टरों के वहां पहुंचने के बाद कॉलेज के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स ओपीडी से बाहर आ गए। CTU बस कंडक्टर ने एक महिला पुलिस मुलाजिम की टिकट काटी तो गुस्साई महिला पुलिस ने वर्दी का रोब दिखाते हुए अन्य पुलिस मुलाजिम साथियों को बुलाकर बस ड्राइवर दिनेश कुमार का जबरदस्ती चलान कटवा दिया। CTU बस के कंडक्टर बाबू ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर तैनात मोहाली पुलिस के हेड कांस्टेबल जसबीर सिंह ने महिला कर्मचारी की बस टिकट काटने पर उनका बिना गलती के चलान काट दिया। अब डाकघर विभाग भी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ई ट्रेडिंग करवाएगा। डाक की तरह विभाग भी सामान पहुंचाएगा। डाकघर के ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए लोग कपड़ों से लेकर AC फ्रिज जैसे बड़े व छोटे सामान खरीद सकेंगे। वहीं निर्माता अपने उत्पाद को भी देश दुनिया में बेच सकेंगे। फिलहाल अंबाला में इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके बाद करनाल समेत अन्य जिलों में भी यह सेवा शुरू होगी। सरकारी सुविधा होने के कारण ठगी के चांस भी कम होंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मनोहर लाल सरकार का यह अंतिम विधानसभा सत्र है। सत्र के 2 से 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। यह विधानसभा सत्र के छोटा मगर हंगामेदार होने की आशंका भी है। पंजाब में रिटेल व थोक लाइसेंस धारकों के ट्रामाडोल और टेम्पाडोल दवाओं के भंडारण, वितरण और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। FDA कमिश्नर KS पन्नू ने बताया कि ये दोनों टैबलेट सिर्फ मान्यता प्राप्त विक्रेताओं के पास उपलब्ध होंगी। भारत की आज़ादी के 72 साल में पहली बार पाकिस्तान के गुरुद्वारा ननकाना साहिब से पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन नगाड़ों की थाप पर लाहौर से होते हुए वाघा अटारी सरहद पार करता भारत पहुंचा। इसके स्वागत में हजारों की संख्या में साध संगत मौजूद रही। हिमाचल के सभी शक्तिपीठों पर आज से श्रवण अष्टमी मेले की शुरुआत हो गई है। न सिर्फ राज्य बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु माथा टेकने पहुँचते हैं। गुरुवार तड़के सुबह से ही माँ चामुंडा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला और नैना देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यह मेले 9 अगस्त तक चलेंगे। सभी शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिमला धर्मशाला 4 लेन निर्माण परियोजना का काम जल्द शुरू हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 5 पैकेज वाली इस परियोजना में धर्मशाला व शिमला पैकेज के निर्माण की केंद्र से अंतिम मंजूरी मिल गई है। अथॉरिटी ने पैकेज नंबर 5 की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 25 सितंबर को पूरी होने जा रही है। दिल्ली सरकार के उन सभी कर्मचारियों को अब साल भर में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप करवाना अनिवार्य हो गया है, जिनकी उम्र 40 से अधिक है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वीरवार को दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जाँच योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पूर्वी दिल्ली में गर्भवती महिला का घर में प्रसव कराना पड़ा। प्रसव करवाने के बाद नवजात की मौत हो गई। प्रसव के बाद रात में अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जब पूरी घटना बताई तो डॉक्टरों ने मां को आनन फानन में भर्ती कर लिया। बड़ी खबरों के साथ ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।